हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत है स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के वीडियोस में। और आज है 3 अप्रैल 2019। आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट examguruji.in पर डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे। ये हमारा क्लास का शेड्यूल है, लाइव क्लासेस का, आप ये नोट कर सकते हैं। और ये शाम को 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक और 10 बजे तक ये क्लासेस होती हैं। शुरू करेंगे वीडियो। सबसे पहले कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। पहला प्रश्न के टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है। 1 अप्रैल से काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं, उसमें से ये 1 लाख कर दी गई, 5 लाख कर दी गई, 2.5 लाख से बढ़ाकर। दूसरा प्रश्न है कि इसरो ने एमीसेट के साथ अन्य देशों के कितने उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। सो ये कुल 28 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है, जो कि 3 अलग अलग कक्षाओं में जिनको प्रतिस्थापित किया गया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वहीं तीसरा प्रश्न है कि कौन सा देश भारतीय डिग्री को अब समान दर्जा देगा। तो ये समान दर्जा दिया जाएगा UAE के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा। चौथा प्रश्न है कि जुजाना कुपुतोवा कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। तो ये यूरोपियन देश है, स्लोवाकिया, वहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। पांचवा प्रश्न है कि विजया बैंक और देना बैंक के विलय के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा देश का कौन सा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। तो ये जो बन गया है, तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है, जो कि 1 अप्रैल से लागू हो गया है। छठवां प्रश्न है कि 8 कोर उद्योगों में सबसे अधिक भारांक यानी कि वेटेज किसका रहा है फरवरी में, और ये रहा है रिफाइनरी उत्पादों का। सातवां प्रश्न है कि प्रसिद्ध लेखिका रमणिका गुप्ता, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस विषय की लेखिका थी, और ये जो थी हिंदी भाषा की लेखिका थी। वहीं आठवां प्रश्न है कि किसे ICC का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो ICC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु साहनी बनाए गए हैं। नवा प्रश्न है कि दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप जीता है। तो ये जीता है भारत को हराकर। दसवां प्रश्न है कि 12वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है। वर्तमान में तो भारत इसमें पहले स्थान पर है। सो ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्न। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की। अगर आपको वीडियो को पसंद आता तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि हाल ही में लेह में सेना ने किस नदी पर सस्पेंशन ब्रिज, जिसका नाम रखा गया है मैत्री पुल, इसका निर्माण किया है। और ये जो निर्माण किया गया सिंधु नदी पर किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, सिंधु नदी। अब इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। सो भारतीय सेना के जवानों ने जम्मू कश्मीर के अंदर लेह करके जगह है, वहाँ पर बहती है सिंधु नदी, उस पर 260 फीट लंबा एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया है। और ये ब्रिज मात्र 40 दिनों में पूरा किया गया है। और नदी पर बना, यानी कि सिंधु नदी पर बना सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। पुल जो काम करेगा, लेह लद्दाख क्षेत्र में सेना और आम जनता के जो संबंध है उसका प्रतीक है, मतलब उनके द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसका नाम मैत्री पुल रखा गया है। पुल लद्दाख के 3 बड़े गाँव छोगलामसार, स्तोक और छुछोत, ये गांव के नाम है, वहां पर मददगार साबित हो गए, उनके साथ कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अगला प्रश्न है दूसरा कि विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस जो मनाया जाता है वो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। सो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, इसकी डिटेल देख लीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2007 में 2 अप्रैल को विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया गया। और इस बार का जो इसका विषय है, सहायक तकनीक सक्रिय भागीदारी। उद्देश्य क्या है कि ऑप्टिज्म से जो ग्रस्त बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, उनके जीवन में किस प्रकार से सुधार लाया जाए और कैसे उनके जीवन को सार्थक किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे ये ऑप्टिज्म क्या है। सो ये मस्तिष्क से संबंधित एक बाधा उत्पन्न संबंधी विकार है। और जिन बच्चों में ये रोग होता है उनका विकास अन्य बच्चों से थोड़ा असामान्य होता है। और इसकी वजह से जो हमारे दिमाग में, जो हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि न्यूरो सिस्टम जो होता है, उस पर काफ़ी विपरीत असर करता है। सो सामान्य से कम इसमें जो है बच्चों का विकास हो पाता है। सो ये इसका लक्षण होता है। अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा है कि भारत और किस देश के बीच में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। सो भारत के राष्ट्रपति इनमें से एक देश की यात्रा पर हैं, तो ये है चिली। एक्चुअल में सबसे पहले गए थे क्रोएशिया, वहाँ पर सर्वोच्च सम्मान से उनको पुरस्कृत किया गया, उसके बाद बोलीविया गए, वहाँ से सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत किया गया, और चिली पहुँचे तो वहाँ पर 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनकी डिटेल देख लीजिए। सो भारत और चिली ने खनन, संस्कृति और दिव्यांगजनों, इनके सशक्तिकरण के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसमें चिली वैध US वीजा रखने वाले भारतीयों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति प्रदान करेगा। यानी जिसके पास US का वीजा होगा, अमेरिका का वीजा होगा, अगर वो चिली जाता है तो वहाँ उसको बिना वीजा के अनुमति मिलेगी प्रवेश करने की। उसके अलावा राष्ट्रपति जी ने चिली विश्वविद्यालय में भारत चिली व्यापारिक गोष्ठी में भी भाग लिया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में रक्षा क्षेत्र में क्या सहयोग हो सकता है उसको तलाशने पर भी सहमति बनी है। बात करेंगे चिली की, तो दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर देखिए ये जो है
चिली है, राइट। कल मैंने मैप में आपको दिखाया भी था, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। राजधानी इसकी सेंटियागो है। राष्ट्रपति सेवेस्टियन पिनेरा है। मुद्रा यहाँ की चिलियन पीसो है, और एक इंडियन रुपीस के अंदर लगभग 10 चिलियन पीसो होते हैं। वहीं सरकार की बात करें तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र यहाँ पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि चौथा प्रश्न है कि पेट्रोलियम अवशिष्ट उत्पाद टालुइन से क्या बनाने में सफलता प्राप्त की गई। तो टालुइन एक पेट्रोलियम अवशिष्ट निकलता है, पेट्रोल का बाय प्रोडक्ट है, और इससे बनाने में की गई है बेंजोइन एसिड, और ये किया है आईआईटी मद्रास के द्वारा, इसलिए ये तस्वीर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। सो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी मद्रास की 2 सदस्यों की टीम ने प्लेटिनम नैनो नैनो कैटलिस्ट इसका उपयोग किया, और इसका उपयोग करके पेट्रोलियम अपशिष्ट उत्पाद है टाइलून, और टाइलून से बेंजोइक एसिड बनाने में सफलता प्राप्त की है। और ये बेंजोइक एसिड का यूज़ क्या होता है, तो इसका खाद्य परिरक्षण में यूज़ किया जाता है, कवक और जीवाणु संक्रमण के लिए दवा के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। और टेलून एक उत्प्रेरक बाई नेथलिन स्टेब्लिश्ड प्लेटिनम नैनो पार्टिकल्स की उपस्थिति में इसको जो है निश्चित और नियंत्रित ऑक्सीकरण के माध्यम से जो बेंजोइक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, और यही आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने पांचवा। पांचवा प्रश्न है कि किस देश ने दूसरी पीढ़ी का डेटा रिले तियान लियन, ये फर्स्ट है, राइट, याद रखिएगा ये फर्स्ट है, इस उपग्रह को हाल ही में लॉन्च किया है। और ये जो लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। सो चाइना ने नई पीढ़ी का एक डेटा रिले उपग्रह है, और जिसका नाम है तियान लियन 01, इसको कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है, और मानव युक्त जो अंतरिक्ष यान है उसके लिए डेटा रिले माप और नियंत्रण सेवाएं ये प्रदान करेगा, राइट। सो अंतरिक्ष यान के लिए इसको एक्चुअल में पहुंचाया गया है, और इसने दक्षिण पश्चिमी चीन का जो सिचुआन प्रांत है, ये नाम याद रखिएगा, यहाँ का जीजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, और यहाँ से इसको जो मार्च 3 V एक व्हीकल है रॉकेट लॉन्च, जैसे हमारे यहाँ PSLV होता है उसी प्रकार का, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सैटेलाइट जो चाइना को एरोस्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के तहत चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया, जैसे हमारा इसरो है वहाँ भी ऐसे कॉरपोरेशन है चाइना का, और उसका एक सब कंपनी जिसे कह सकते हैं उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। बात करेंगे मैप में चाइना की। सो ये भारत है, भारत से इधर ऊपर देखेंगे ये चाइना स्थित है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ये आता है, और राजधानी इसकी बीजिंग है। वही राष्ट्रपति कौन है, तो सी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं, यहाँ का ये आप ऊपर मैप झंडा भी देख सकते हैं, फ्लैग। मुद्रा यहाँ की युआन है, जिसको रेनमिनबी भी कहा जाता है, और एक रेनमिनबी के अंदर लगभग 10 इंडियन रुपीज़ होते हैं। सरकार समाजवादी गणराज्य है यहाँ पर, और संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि छठवां प्रश्न है कि राजन आनंद ने अपने पद से हाल ही में किस संस्थान से इस्तीफा दे दिया है। सो इन्होंने इस्तीफा दिया है गूगल से, गूगल इंडिया से, तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। इनकी डिटेल देखिए तो गूगल इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया इसके उपाध्यक्ष, और अनिवार्य रूप से गूगल गूगल के भारत में प्रमुख, नाम है राजन आनंद। 8 वर्ष का इनका कार्यकाल था, उसके बाद कंपनी छोड़ रहे हैं। 2010 में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया से गूगल में ये शामिल हुए थे, यानी पहले माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में थे। विकास अग्निहोत्री जो वर्तमान में बिक्री के लिए भारत के गूगल के निदेशक में के रूप में सेवा कर रहे हैं, अब वो अंतरिम जिम्मेदारी संभालेंगे, जब यानी कि जब तक कि कोई इंडिया का प्रमुख नहीं किया जाता तब तक वो काम करेंगे। और गूगल छोड़ने के बाद राजन जो है वेंचर एंड फंड कंपनी, इसका नाम है सिक्योया कैपिटल्स, इसको ज्वाइन करेंगे। 2007 में वो इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी चुने गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है सातवां प्रश्न कि हाल ही में निम्न में से कौन सा देश ने जो है उसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बना है, और ये देश बना है बोलीबिया। अभी आपको पता है हाल ही में बोलीबिया में भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के सॉरी राष्ट्रपति भी गए थे बोलीबिया, क्रोएशिया और चिली की यात्रा पर, और उसी में यहाँ पर इस पर हस्ताक्षर हुए हैं। सो बोलीबिया ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने की थी, नवंबर 2015 में COP21 सम्मेलन हुआ था, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन इसमें, और फ्रेमवर्क समझौता दिसंबर 2017 में लागू हुआ था। स्थापना 11 मार्च 2018 को की गई थी, स्थापना दिवस मनाया जाता है, और इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान यानी NISE के नाम से यहाँ पर स्थित है।
ये एक ऐसी पहल है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और अंतर सरकारी संगति है जिसका मुख्यालय भारत में है, और पहली ऐसी एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। बात करेंगे हम बोलीविया की, जहाँ ये जो है हुआ जो इसमें शामिल हुआ है, तो ये बोलीविया है, चिली के ऊपर है। भारत के राष्ट्रपति क्रोएशिया, उसके बाद क्रोएशिया यूरोप में स्थित है, वहाँ के बाद बोलीविया और चिली पहुँचे हैं। सो चिली के दक्षिण अमेरिका में स्थित है, राजधानी इसकी सुक्र है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं एवो मोरालेस, मुद्रा है बोलीविया नाओ, और एक बोलीविया नाओ के अंदर 10 इंडियन रुपीज़ होते हैं। वहीं सरकार की बात करें तो अध्यक्षीय गणतंत्र या गणराज्य यहाँ पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के कंधमाल हल्दी, उसको GI टैग प्रदान किया गया है। सो ये GI टैग प्रदान किया गया है ओडिशा में। सो इसका बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। इसकी डिटेल देखिए, सो ओडिशा की एक कंधमाल हल्दी, उसको विशिष्ट भौगोलिक पहचान यानी कि GI ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया है, और कंधमाल के जनजातीय लोगों की प्रमुख नकदी फसल यानी वहाँ उगाते हैं वो, और कंधमाल की लगभग 15% आबादी हल्दी की खेती से जुड़ी हुई है। सो GI टैग क्या होता है? ये किसी उत्पाद के लिए चिन्ह होता है, और इससे पता चलता है कि वो उत्पाद किसी विशेष भौगोलिक जगह से उत्पादित हो और उसकी अपनी कुछ विशेष विशेषताएं हैं, गुणवत्ता हैं, और इसकी उत्पत्ति के आधार पर इसको दिया जाता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय, महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी, जयपुर की ब्लू पॉटरी, बनारसी साड़ी, तिरुपति के लड्डू, ये सब GI टैग हैं जिनके द्वारा आप इसको समझ सकते हैं। अब बात करेंगे ओडिशा की, तो ये तटीय राज्य है। इस तरफ देखेंगे छत्तीसगढ़ है, ऊपर इसके जो है झारखंड, इधर पश्चिम बंगाल, इस तरफ देखिए आप यहाँ पर आंध्र प्रदेश, नीचे ये इधर नीचे आंध्र प्रदेश, इधर तेलंगाना है, और इधर बंगाल की खाड़ी से लग जाता है। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल के हैं। राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। राजकीय पशु सांभर हिरण है। राजकीय पक्षी नीलकंठ है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय फूल यहाँ पर अशोक है। लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, और विधानसभा की यहाँ पर 147 सीट हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 9वां प्रश्न कि भारत अब तक कितनी बार ICC टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत चुका है। सो भारत अब तक कुल 3 बार, एक्चुअल में एक बार नहीं है, ये 3 बार है, राइट, 3 बार ये खिताब जीत चुका है, और ये गदा जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये दी जाती है इसमें। इसकी डिटेल देखिए, सो भारतीय क्रिकेट टीम ने लगातार 3रे साल ICC टेस्ट चैंपियनशिप गदा अपने पास बरकरार रखी है, और ये उस टीम को दिया जाता है जो अप्रैल की कट ऑफ तारीख तक टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर होता है। यानी भारत पिछले 3 सालों से अप्रैल तक, पहली अप्रैल तक इसमें नंबर 1 पर रहा है। ICC टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम है, और न्यूजीलैंड टीम के कप्तान कैन विलियमसन को 2018 के लिए ICC स्प्रिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड भी दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि 10वां और अंतिम प्रश्न है कि रोजर फेडरर ने अपने करियर में कितनी बार मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट खिताब जीता है, और ये जीता है उन्होंने 4 बार। सो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। इनकी डिटेल देखिए, सो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, टेनिस के खिलाड़ी, नाम रोजर फेडरर है। इन्होंने 4थी बार मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट खिताब जीत लिया, और 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता फेडरर ने मियामी में जो पुरुष सिंगल्स खेला था उसमें अमेरिका के पिछली बार के विजेता जॉन इस्नर को हराया, और 37 साल के हैं ये। कुल 28वां मास्टर्स इनका खिताब है, और रोजर फेडरर मियामी में अपने करियर की 101वीं खिताबी जीत, यानी कुल जितने भी टूर्नामेंट्स में भाग लिए हैं उसमें 101वीं जीत के ATP विश्व रैंकिंग में एक स्थान के फायदे के साथ 4थे स्थान पर पहुंच गए, यानी पहले 5वें स्थान पर थे, अब 4थे स्थान पर आ गए हैं, और 101वीं जीत भी इन्होंने अर्जित की है अपने पूरे करियर की। बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की, हमने आपसे कल प्रश्न पूछा था कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, और ये जानकारी दी है हमें राखी पांडे जी ने, पन्ना मध्य प्रदेश से। उन्हें बताया है कि इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को की गई थी मॉट्रिच नीदरलैंड में। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। वर्तमान में अध्यक्ष डोनाल्ड टुस्क हैं, और कुल सदस्य देशों की संख्या 28 है। कार्य क्या है इसका? आर्थिक और मौद्रिक संघ की स्थापना करना, समान रक्षा और विदेश नीति बनाना, और उसको लागू करना। 2012 में इसको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। क्यों दिया गया था? लोकतंत्र और मानवाधिकारों की उन्नति के लिए। अब आज का प्रश्न, गूगल की स्थापना कब और किसने की थी, तो इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न हो उनके उत्तर इसमें जरूर दीजिएगा। सो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारी वेबसाइट है examguruji.in, यहाँ पर जाएं, PDF डाउनलोड करें, और PDF की लिंक और इस वीडियो की लिंक भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे रहें, खुश रहें, और अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। जय हिंद, जय भारत।